राजपाल सर, हम तकरीबन 3 साल के बाद मिल रहे हैं। हम एक्चुअली हमारा हमारा पहला मुलाकात हुआ था जुड़वा 2 के सेट पर, और जी अब गुली नंबर 1 आ रही है, और वो डेविड धवन की 45th फिल्म है। तो वो जो अनुभव कैसा था आपके लिए उनके साथ काम करके फिर से, स्पेशली इस वक्त पर? ब्रदर, पहली बात तो 3 साल बाद थोड़ी सी हम आपको 3ों साल में हर साल मिलते हैं। आपको जैसा मालूम है कि मुंबई के बाद लंदन हर साल हमारी एक आध फिल्म का या एक बार विजिट का वो फेवरेट प्लेस है, ठीक जी है, बिल्कुल, जिसमें मुझे एक सुपिस्टिकेटेड गांव, 193 कंट्री का एक सुपिस्टिकेटेड गांव उस वर्ल्ड में जिसका नाम है लंदन। जी और इतना आप लोग सब वहां पे बोलते ना कि एक होता है फ्रस्ट्रेशन, एक होता है डिप्रेशन, एक होता है सेंसेशन। अगर वो जो मिडिल प्लेस होता है वो बहुत भारी प्रेशर वाला होता है, हाँ और जहाँ पे हम जानते हैं कि जैसे आप, हर आदमी बहुत प्रेशर महसूस करता है कि लंदन जो है दुनिया का, जैसे अपने भारत का मुंबई, या मुंबई जो है वो पूरे विश्व के 3 शहरों में एक है, तो वो जी 3 शहरों में एक लंदन ऐसा है जो बहुत प्रेशर वाला शहर है। लेकिन बिल्कुल आप लोग जो है वो इतना मेहनत करके, इतना सब करके, उसका प्रेशर कम करके उसको चिल आउट सिटी बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अरे और भाई, जिसमें सब लोगों का बहुत बहुत, और मैं इतना आप लोगों के बीच में, एक तो लंदन में रात के 1 बजे बैठो, सुबह 6 बजे लंदन उतर गए, दिन भर लंदन काम करो, रात में बैठो, सुबह 6 बजे मुंबई आ गए। ये मुझे सबसे अच्छी जो कनेक्टिविटी है ना, इससे बेस्ट बिल्कुल कनेक्टिविटी मैंने नहीं देखी 8 घंटे की जर्नी की। और वहां पे मैं बहुत सब लंदन हाई कमीशन में जब मुझे जुड़वा 2 के दौरान जो है वो इतना सम्मान मिला कि मुझे वो स्पीच वहां पे देने का मौका मिला, और वहां के लंदन के जो वहां के अंग्रेज, जो जिनसे मैं अच्छे से अंग्रेजी में कम्युनिकेशन नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एक्सेंट, लेकिन वहां पे वो अंग्रेज लोग अगर आशीर्वाद दे रहे हैं कि राजपाल शुड बी ग्लोबल गाय, ओ वाओ, आप ग्लोबल तो आई थिंक ये मनोरंजन के माध्यम से पूरे विश्व में आप सबसे बात करने का जो मौका मिला है, मैं इसका एक एक पल एंजॉय करता हूँ, पूरे लंदन को नमस्ते करता हूँ, हर मीडिया के, हर आदमी के, हर प्लेटफॉर्म को नमस्ते करके, अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्लीज प्लीज आप कुली नंबर 1 जुड़वा 2 के बाद आप देखें, और ये हमें खूब भरोसा है कि 2020 के एंड वाले पड़ाव में और 21 की बिगनिंग के आगाज में ये कुली नंबर 1 संजीवनी का काम करे, सब लोगों के खूब ब्लड अच्छा सर्कुलेशन का काम करे, ऐसी दुआ करता हूँ। बिल्कुल नहीं, आई एम श्योर ऐसा ही होगा। तो ट्रेलर के हिसाब से सारा अली खान का जो कैरेक्टर है, आपको मामा जी बुलाती है, तो जी आप तो ये अनुमान लगाते हैं कि आप सारा के मामा जी का रोल ही प्ले कर रहे हैं ना फिल्म में? 100%। और ये पुरानी जो कुली नंबर है, कुली नंबर 1, उसमें जो शक्ति कपूर साहब का रोल है जी, वो रोल मैं कर रहा हूँ, ओ और वाह, परेश रावल जी जो है वो कादर खान साहब का रोल कर रहे हाँ हैं, हाँ और जावेद जाफरी साहब जो है वो सदाशिव अमरापुरकर जी का रोल कर रहे हैं, और सारा का तो पता ही है, और वरुण जो है गोविंदा भैया के रोल को कर रहे हैं, और मैं क्यूटेस्ट मामा इन दिस वर्ल्ड का रोल कर रहा हूं। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली मैं ये पूछने वाला था, क्योंकि आई थिंक आपने जुड़वा 2 में, आई थिंक शक्ति कपूर जी का जो ओरिजिनल रोल था उसको रिप्राइज किया था जुड़वा 2 में, और अब कुली नंबर 1 में फिर से आप शक्ति कपूर के जो आइकॉनिक रोल था वो आप फिर से दोहरा रहे हैं। तो जब आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हो जो इतना आइकॉनिक होता है और लेजेंड जो होता है, तो प्रेशर कितना होता है आप पर एज एन आर्टिस्ट टू लिव अप टू दैट? कोई, हम लोगों मनोरंजन की फील्ड में कोई प्रेशर नहीं होता है, शब्द रूपी बैट एंड बॉल होते हैं जो वर्ड के रूप में होते हैं। जी शक्ति कपूर साहब ने अपनी कद काठी के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको जीने की कोशिश की 95 में, जी राजपाल 2020 में अपने तरीके से उसको जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें भी खूब उसका भी मेन गोल था एंटरटेनमेंट, इस फिल्म का भी गोल है एंटरटेनमेंट, उसने भी खूब एंटरटेनमेंट
किया और आज तक आशीर्वाद मिल रहा है उस फिल्म को, और हम चाह रहे हैं कि इस फिल्म में भी जितनी मेहनत की है डेविड धवन साहब ने 2020 का इसको बना के, और 20 साल जो लोग बड़े हुए हैं जिनकी उम्र 20 साल है 15 साल है उन्होंने पुरानी फिल्म अभी नहीं देखी है, तो जिन्होंने दोबारा कुली नंबर वन देख रहे हैं उनको तो वो कुली नंबर वन और ये कुली नंबर वन दोनों का आशीर्वाद मिल गया और दोनों टीमों को आशीर्वाद देखने से मिल गया, और जिन लोगों ने नहीं देखी उनको ये देख के वो फिर इसके बाद पुरानी देखेंगे, तो दोनों फिल्मों का एंटरटेनमेंट खूब लोगों को मिले, वो सुपरहिट थी है और ये भी सुपरहिट हो, और पूरे देश दुनिया में अमेज़न प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म से पूरे विश्व का ये मनोरंजन करे और कुली नंबर वन मनोरंजन नंबर वन होके साबित हो, ऐसी कामना करता। जी बिल्कुल, आई थिंक राजपाल सर अब मुझे ना आपकी बात क्या अच्छी लगती है कि आपने वो जो आर्ट ऑफ एक्टिंग है ना, आई थिंक यू मास्टर्ड इट एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग टू सी कि जिस तरह से आपने सीरियस एक्टिंग भी की है और कॉमेडी, और दोनों ही बहुत कंपेलिंग होता है, ऐसा नहीं लगता कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आप इतने ढल जाते हो उस कैरेक्टर में कि हम मानने लगते हैं कि वो असल में वो कैरेक्टर है और राजपाल यादव नहीं है, तो आपके हिसाब से वो करेक्ट टेक्निक क्या होता है डिफरेंट स्टाइल्स के बीच शिफ्ट करने का? कुछ नहीं करने का होता है, मैं मोबाइल देख के सिम बन के घुसने कोशिश करता हूँ मोबाइल की। I like that analogy. मैं जैसा मोबाइल देखता हूँ उसी तरीके का सिम बन के उसके अंदर घुस के और उसको कम्युनिकेट इंटरनेट जोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसलिए जैसा जैसे क्या होता है कि आज जो मोबाइल है ब्रदर, सिम एक जैसा होता है, मोबाइल अलग अलग होते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिम अलग अलग है, मोबाइल जैसा दिखा वैसा सिम बन के उसमें प्रवेश कर गया, बस इतनी कोशिश। तो आई एम श्योर ऑब्वियसली जब अब ऑब्वियसली एक कैरेक्टर होता है और एक स्क्रिप्ट होती है तो आप उस पे ही अमल करते हो और फिर? नहीं बिल्कुल, आई एम एवरी डे आई एम ऑलवेज बिगनिंग एज ए बिगनर। मैं हमेशा बिगिन करता हूँ बिगनर के रूप में, लर्नर के रूप में। अगर मैंने डेविड साहब के साथ में आज 20 साल से कई फिल्में की हैं, लेकिन डेविड धवन के साथ हमने जब कुली नंबर वन की बात की तो हमने उनसे एक साथ नहीं 3-4 सिटिंग की, क्योंकि मैं हमेशा डायरेक्टर रूपी इंटरप्रिटेटर का घोड़ा हूँ। डायरेक्टर जो होता है वो इंटरप्रिटेटर का चाबू रख के राइडर की भूमिका निभाता है, और जो एक्टर होता है वो राइडर के इंटरप्रिटेशन को समझ के अपना गेयर बदलता है कि उसको गैलप में जाना है कि किधर जाना है। तो आई वॉन्ट टू बिकम राशि घोड़ा, जैसा राइडर बैठ जाता है उसके इंटरप्रिटेशन को मैं कैरी करने की कोशिश करता हूँ, और जिसमें डेविड साहब जो है आई थिंक ही इज अ लेजेंड डायरेक्टर इन आर कंट्री एंड इन आर वर्ल्ड, जिसमें आप सब जहाँ पे हमारे जहाँ भी जितने भी लोग पूरी दुनिया में एशियन लोग जहाँ भी मतलब रहते हैं वो सब बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, वो चाहे इंडिया के रूप में, चाहे आरजे के रूप में, चाहे फैशन क्यों ना हो, चाहे लोकल प्रोग्राम्स क्यों ना हो, चाहे जहाँ बॉलीवुड के सॉन्ग बजते हैं वही बॉलीवुड है, वो किसी भी कंट्री का हो वो उसका बॉलीवुड है, और बॉलीवुड पूरे देश में हर आदमी का है जो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी देश क्यों ना। मैं सबका तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा मैं उसको कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन मानता हूँ। वी आर लकीस्ट पीपल की वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम सिनेमा एंड वी नो ईच अदर बिकॉज ऑफ आर्ट, बिकॉज ऑफ ब्लड। तो वो और आर्ट हमेशा ब्लड अच्छा सर्कुलेट करती, तो हमारा पूरे विश्व से ब्लड का रिश्ता है। What a lovely way to summarize. I think that's very, very kind of you. And I'm sure जो हमारे दर्शक हैं जहाँ जो लंदन में और इंडिया में, I'm sure वो you know बहुत ज़्यादा warmth के साथ वो accept करेंगे. So thank you so much for that. Thank you, sir. I think it's interesting as well क्योंकि हम बात करें एक role को reprise करने की, जैसे आपने कहा कि आप जो original role था कुली नंबर वन में शक्ति कपूर का आप फिर से रिप्राइज कर रहे हैं वो इस नए अडेप्टेशन में, और ऑब्वियसली आप बहुत सारे न्यू सीक्वल्स में भी आएंगे जो कॉमेडी के
जो है, जो हंगामा टू है, भूलभुलैया टू है, तो जब आप एक सीक्वल में काम करते हो और जब आपने वो ओरिजिनल फिल्म में काम किया हो, तो कितना मुश्किल होता है उस कैरेक्टर को फिर से दोहराना या उस स्पेस को रिविजिट करना जो आप बहुत साल पहले कर चुके हो। मैं एक बहुत ब्रदर, एक बड़ी अच्छी सी बात आपसे शेयर, आपने बड़ा अच्छा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक सेंचुरी कल मारी, जित बहुत मुश्किल होता है दूसरे दिन वो सेंचुरी दोहराना। जी आप क्रिकेटर हो, आपने आज सेंचुरी मारी, कल आप सेम आदमी हो, लेकिन आप अपनी जब सेंचुरी को दोहरा नहीं सकते तो किसी कैरेक्टर को दूसरा एक्टर कैसे दोहरा सकता है। बिल्कुल तो शक्ति कपूर साहब ने जो कैरेक्टर किया वो शक्ति कपूर साहब ही कर सकते हैं। राजपाल यादव जब ये कैरेक्टर करेंगे तो राजपाल ही कर सकते हैं, इसलिए कैरेक्टर दोहराए नहीं जा सकते, कैरेक्टर बार बार रामलीला की तरह किए जा सकते हैं। जैसे जी रामलीला हर साल अपन हजारों बार राम का रोल देखते हैं, सबका अलग अलग। तो जी वैसे कैरेक्टर जो होते हैं वो इल्यूजन ऑफ रियलिटी के लिए बनाए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें जब शक्ति साहब करेंगे तो अपने तरीके से करेंगे, राजपाल करेंगे तो अपने तरीके से करेंगे, कोई दूसरा एक्टर करेगा तो अपनी तरीके से करेगा। हम सब कैरेक्टर को 50 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर कभी दोहराया नहीं जा सकता। इट्स लाइक अ कमीलियन, एक कमीलियन के जैसा है जिसका रंग बदलते रहते हैं कैरेक्टर करेक्ट का। सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर वेरी राइट। जैसा सांचा या जैसा बॉडी या जैसा क्राफ्ट आया, उसका कलर उसके हिसाब से बदल जाता है, बेस नहीं बिल्कुल बदलता है, बेस नहीं बदलता है, आउटस्कर्ट बदल जाता है, बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ मेंटालिटी, अब शारीरिक स्ट्रक्चर। अब शक्ति कपूर साहब इस दुनिया में एक ही पैदा हुआ है, राजपाल भी एक ही पैदा हुआ है। तो जब दो आदमी अलग अलग पैदा हुए हैं तो एक आदमी दूसरे का कैरेक्टर कैसे दोहरा सकता है? नहीं, दोनों मिलके उन्होंने इस तरीके से किया, राजपाल ऐसे कर सकते हैं। शक्ति साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इतने बड़े 20 साल अग्रज है हमारे, हम सीनियर मानते हैं, हम बच्चे थे तब वो सुपरस्टार थे। तो उनकी उनका किया हुआ कैरेक्टर इंस्पिरेशन मान के राजपाल के रूप में करने की कोशिश की, उनका उनको खूब आशीर्वाद मिला, हमारा हमें खूब आशीर्वाद मिले, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। बाकी कोई कैरेक्टर में फिल्म रीमेक है, लेकिन कैरेक्टर वरुण धवन से लेके परेश रावल जी से लेके सबके ओरिजिनल हैं। उस समय 95 वाले फिल्म में कादर खान साहब फिट थे, 2020 वाले में परेश रावल साहब फिट हैं, इसलिए कैरेक्टर वो रीमेक जरूर है, लेकिन कैरेक्टर वो भी ओरिजिनल थे और 2020 के कैरेक्टर ये भी ओरिजिनल है। लाफ राइट एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे से सबको, खूब बच्चे से लेके बूढ़े तक, सब एक किचन पराठे खाते हुए उसका एंजॉय करें, बस ये मोटिवेशन है, खूब एंजॉय करें। आई थिंक भेलपुरी के साथ आके देखेंगे आई थिंक उसको, अच्छा ये, हाँ ये जो अच्छा, उसमें जो भेलपुरी वाला गाना है ना। ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया आइडिया दिया कि जब आदमी थिएटर में देखता था तो पॉपकॉर्न खा के देखता था, अब अमेजोन प्राइम वीडियो पर भेलपुरी खाते हुए ये कुली नंबर वन का एंजॉय करे, ढोकला खाते हुए एंजॉय करे, मूंगफलियां खाते हुए एंजॉय करे, अपने घर में एक नहीं 6 आइटम लगा के और अपने आराम से देखे, ये अच्छी बात है। हाँ आई थिंक सर, क्योंकि आई थिंक हमारे पास समय बहुत कम है आई थिंक इस इंटरव्यू के लिए, एंड आई एम रियली सैड के समय बहुत कम है क्योंकि बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, लेकिन अब मैं जून में लंदन में आऊंगा तो मिलके घंटों बात करेंगे, चिंता ना करें। डेफिनेटली नहीं, हम करेंगे फॉर श्योर। तो आप पिछले 2 डेकेड से इतना ज्यादा काम कर रहे हैं राजपाल सर, आपने अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई है जो बहुत ही आइकॉनिक माना जा सकता है। यू नो यू आर अ लेजेंड एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ द वैल्यूड एक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री राइट नाउ। तो जब आप शुरुआत कर रहे थे एक्टिंग का और अब तब से लेके अब तक, वो आपका विजन क्या था और क्या वो विजन बदला है? नहीं, कुछ भी नहीं बदला है ब्रदर। आई लव टू डू एंटरटेनमेंट, और मेरा एंटरटेनमेंट पैशन है, इसलिए मैं रियलिटी बहुत गंभीरता से जीता हूँ ताकि रियलिटी का इल्यूजन रील के माध्यम से क्रिएट कर सकूं।
और मुझे जितना अच्छा लगता है गंभीरता से जीना, उतना ही अच्छी लगती है मुझे मस्खरा गिरी। तो आई लव मस्खरा गिरी, आई लव मशविरा गिरी जी। तो कभी हर समय मनोरंजन ढोके नहीं चल सकते, हर समय अभी 24 घंटे ऐसे कुर्सी बिठाया जाए बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मनोरंजन जो है वो खाना है जो हमें जीने के लिए हौसला, मिशन और वेवलेंथ और स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी देता है। उसमें एंटरटेनमेंट बहुत महत्वपूर्ण जो है अपनी जिम्मेदारी निभाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एंटरटेनमेंट को बिलोंग करता हूँ और एंटरटेनमेंट की वजह से पूरी दुनिया के हर आदमी से मैं जुड़ गया हूँ और कोशिश करूंगा कि सबके रोटी कपड़ा और मकान अच्छे चले और एंटरटेनमेंट के माध्यम से सबके शरीर दिल सब एक दूसरे से प्यार करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जी बहुत खूब। और क्योंकि बहुत सारे लोग दर्शक देख रहे होंगे जो एक्टिंग में जाना चाहते होंगे या एक्टिंग का सोच रहे हैं, एक प्रोफेशन बनाएं, आप उनको क्या एडवाइस या सलाह देंगे? मुझे 36 साल हो गए बचपन से लेकर अभिनय करते हुए। उसके लिए बहुत सारी हजारों किताबें पढ़ने का, उनपे प्रैक्टिकल करने का, रिसर्च करने का मौका मिला, ग्रीक पीरियड से लेके चाहे वो रोमन ट्रेजिडीज हो, रोमन मिडिवल एज, एलिजाबेथ, अपन 2000 तक आए। लेकिन एक मैंने राजपाल की पाठशाला, एक एंटरटेनिंग पाठशाला शुरू की है और लंदन आता हूँ, कोशिश करूंगा कि हॉल में अपन 4-5 घंटे सब एक साथ बिताएं और उसमें जरूर कुछ ऐसे संस्मरण, कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा कि जितनी डिफिकल्टी हम लोग समझते हैं, हमें डिफिकल्टी सोच के हम डिफिकल्टी खड़ी करते हैं। अगर डिफिकल्टी का दूसरा शब्द सिंप्लीफिकेशन, सिंपल सरलता, अगर को बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं तो कोई भी दुनिया में सेंसेशन पैदा कर सकते हैं सिर्फ रिलैक्सेशन के माध्यम से। लेकिन हम रिलैक्स नहीं है इसलिए सब कुछ डिफिकल्ट है। उसमें एक दिन फिजिकली आप लोगों से जरूर ये शेयर करूंगा 4-5 घंटे का अनुभव जैसे मौका मिलता है। और ये जितने भी न्यू कॉमर के लिए जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं 100% न्यू कॉमर्स को क्या ना करना पड़े उसके लिए ही शुरू की है राजपाल की पाठशाला। और पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे लाइफ लाखों राजपाल युवक युवतियों को वो सावधानियां बताता रहूं कि इस चौराहे पे ये ध्यान रखना, इस चौराहे पे ये ध्यान रखना, इस चौराहे पे ये ध्यान रखना, मंजिल तुम्हारी है। अरे लवली लवली, बट आई थिंक दैट वुड बी वेरी वैल्यूड एंड थैंक यू सो मच राजपाल सर कि आपने टाइम निकाल के हमसे बात की कुली नंबर वन के लिए। हम बहुत ही उत्सुक है आपको देखने के लिए फिल्म। और मैं दिल से बोलता हूँ थैंक यू सो मच इंग्लैंड। मैंने दुनिया में एक देश ऐसा है जो आज भी स्वर्ग से कम नहीं है। मैं अपने देश मतलब इंग्लैंड को मौसी भूमि मानता हूँ। लेकिन इंग्लैंड में जितने भी दुनिया में रहते हैं, ये 200 देशों के लोग रहते हैं, जितना प्यार लंदन में मुझे मिला है और जितना देख के लोग खुश हो जाते हैं, मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कितनी भी कोरोना रूपी चैलेंज आ जाए या कोई भी, लेकिन जीवन जीना जिंदगी का नाम है, जिंदगी जीते रहिए, खुश रहिए। Absolutely, absolutely. But thank you so much for that, Rajpal sir. I think लोगों को लेकिन इस बार कुली नंबर वन देख के सब लोग रॉकेट हो जाओ। न्यू ईयर में कुली नंबर वन, क्रिसमस में कुली नंबर वन।